वो 11 रुपए में बनाता है चुटकियों में दारोगा, वर्दी पहनने के लिए लोग लगाते हैं चक्कर। जब पोल खुली तो हिल गई मोदी सरकार, दिल्ली से तुरंत आया तलाशी का बड़ा आदेश। दारोगा बनाने वाले गुरु रहमान ने मोदी से लिया पंगा तो 48 घंटे बाद घर पहुंचे कमांडो। ये कहानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर पटना की है। मोदी को धौंस दिखाने वाले रहमान की जिंदगी 48 घंटे में बदल गई। पढ़ाते पढ़ाते गुरु मोदी की कुर्सी खींचने लगे, हालांकि कुर्सी हिलती उसके पहले पटना हिल गया। मोदी से पंगा लेने की कहानी बताएं उसके पहले सुनिए कौन है गुरु रहमान जो 11 रुपए में दारोगा बनाते। कहानी की शुरुआत होती है आज से 28 साल पहले। IAS की तैयारी करने वाला एक लड़का परीक्षा पास नहीं कर पाता है। वो हताश होता है, फिर ख्याल आता है कि वो खुद तो IAS नहीं बन पाया, लेकिन हर गरीब को IAS, IPS और दारोगा तो बना सकता है। सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 1994 में जब बिहार में 4000 दारोगा की भर्ती निकली तो रहमान सर के कोचिंग के 1100 बच्चे दारोगा बन गए। आमतौर पर बिहार के टॉपर पर भी कई बार बवाल हो चुका है, तो रहमान की काबिलियत पर भी सवाल उठना लाजमी था। हालांकि 11 रुपए में दारोगा बनाने की मशीन चली तो कभी रुकी नहीं, लेकिन कहते दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब पोल खोली तब पता चली कि सच्चाई क्या है। अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ तो रहमान सर ने बच्चों को कहा कि जो भविष्य रोक सकता है हम उसकी रेल रोक सकते हैं। और फिर क्या, बिहार की तस्वीर आपके सामने थी। जो सेना में देश की सेवा करना चाहते हैं उन्होंने देश को ही हिला डाला। जांच एजेंसियों के हाथ सबूत लगे तो 11 रुपए में दारोगा बनाने वाले रहमान सर के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई। साथ में पटना पुलिस, CRPF के जवान ने तलाशी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। 48 साल के डॉक्टर मोहम्मद रहमान पटना में अदम्य अदिति गुरुकुल नाम से कोचिंग चलाते हैं। गरीब बच्चों को 11 रुपए की फीस लेकर पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज दारोगा हैं। 40 से ज्यादा बच्चे UPSC की और 400 से ज्यादा बच्चे BPSC की परीक्षा पास कर चुके हैं। साल 1994 में हिंदू लड़की अमिता से शादी की तो खूब बवाल मचा, घर वालों ने भी छोड़ दिया। 7 साल तक पति पत्नी अकेले रहे। अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों का कन्यादान करवा चुके हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करने वाले गुरु रहमान के खिलाफ 13 फतवे जारी हो चुके हैं। मतलब समझ लीजिए कि इनकी कोचिंग 90 के दशक में ही दारोगा फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई थी। अब बीते 6 दिनों से बिहार में जो बवाल मच रहा है, बिहार से जिसकी चिंगारी देश के 15 राज्यों तक पहुंच गई है, उसके सबसे बड़े सूत्रधार भी यही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले गुरु रहमान ने इस बार युवाओं को ये कहकर उकसाया कि आप ट्रेन रोक सकते हैं। ये बात जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली से बड़ा आदेश आया कि गुरु रहमान को पकड़ो, पता करो कि 11 रुपए में दारोगा बनाते हैं तो करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई। इनकम टैक्स वाले फाइलें खंगालने लगे और अब जब घर पहुंचे तो सुनिए क्या हुआ। खबर है कि जब CRPF के जवान पटना के गोपाल मार्केट वाले आवास पर पहुंचे तो गुरु रहमान नहीं मिले। सैकड़ों की संख्या में छात्र आवास के बाहर खड़े हो गए। जिन छात्रों को वो पढ़ाते हैं वो यही कह रहे थे कि रहमान सर गरीब छात्रों के लिए मसीहा हैं। अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो बड़ा आंदोलन होगा। अब तक की छापेमारी में जवान खाली हाथ हैं। सरकार को शक है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। करीब 6 कोचिंग संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एक एक की तलाश में जुट चुकी है। पटना में गुरु रहमान के एक नहीं बल्कि कई ठिकाने हैं। पटना के दानापुर थाने में मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। हाथ लगे तो सबूत भी निकलेंगे। गुरु रहमान इकलौते ऐसे कोचिंग संचालक नहीं है बल्कि कई और शिक्षकों ने इस आंदोलन को हवा दी है। ऐसे कई कोचिंग संचालकों के बयान के बाद बिहार में प्रदर्शन उग्र हो गया। ट्रेन रोकी जाने लगी, बवाल बढ़ने लगा और 15 राज्यों में उत्पात मच गया। बिहार में अब तक 877 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से अकेले 139 पटना जिले से पकड़े गए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है। 600 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई और करीब 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है ताकि बवाल और न बढ़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही कोचिंग संचालकों ने इस आंदोलन को हवा दी, बल्कि MP, UP और राजस्थान तक में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। अलीगढ़ से 9 और राजस्थान के सीकर जिले से कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तो 5 कोचिंग संचालक शक के दायरे में है, जिनमें से एक फरार है और पुलिस उसके खिलाफ इनाम घोषित करने की तैयारी में है। मतलब RRB NTPC वाले आंदोलन की तरह इसे भी गुरुओं ने भड़काया है, लेकिन इस बार ना तो सरकार माफ करेगी और न ही पुलिस। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें।